हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4, वो थी हमारी सेब। हमने पढ़ा था ना उसमें सिलेंडर, स्टेयर, फोन, उनके बारे में पढ़ा था। उनके क्वेश्चन देखेंगे बुक के अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट कर्वड सरफेस और फ्लैट प्लेन सरफेस बिलो ईच पिक्चर। देखो पिक्चर दे रखी है हमें, हमें जो कर्वड लाइन में है उनको तो लिखना है कर्वड, और जो सीधी लाइन में उसको लिखना है प्लेन। तो देखो सेव, देखो ये गोलाई में है तो ये क्या है कर्वड, तो आपको यहाँ लिखना है इसमें सी यू आर वी ई कर्वड। फिर देखो ये है, ये दे रखे है तो ये देखो सीधी लाइन में दे रखे है, इसको लिखेंगे हम प्लेन, पी एल ए एन ई प्लेन। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है बेलून। अब देखो इसमें ये गोलाई है, गोलाई से बना हुआ है तो ये क्या है कर्व है, तो आपको यहाँ लिखना है कर्व है सी यू आर वी ई कर्व है। फिर देखो ये कोई गिफ्ट है, ये देखो सीधी लाइनों से है तो यहाँ आपको लिखना है प्लेन। ठीक है, फिर देखो ये दे रखा है तो इसमें भी देखो लाइनें से बना हुआ है तो इसमें ये क्या है प्लेन, तो आपको यहाँ प्लेन लिखना है। फिर आगे देखो ये दे रखा है, ये देखो ग्लोब दे रखा है, ये देखो गोल है तो ये कर्वे से बना है तो आपको यहाँ कर्वे लिखना है। फिर देखो ये दे रखी है माचिस, तो ये इसकी लाइनें क्या है सीधी है तो आपको यहाँ लिखना है प्लेन। फिर देखो बॉल दे रखी है, ये गोल है तो ये कर्व से बनी है तो आपको यहाँ लिखना है कर्व है। फिर देखो ये बोतल है तो ये गोल है तो आपको यहाँ लिखना है कर्व है। और फिर देखो ये दे रखी है अलमारी, तो ये देखो ये लाइनें क्या है इसकी सीधी है तो यहाँ लिखना है आपको प्लेन। आगे देखो बी अनस्केरबल एंड राइट द वर्ड देन मेज ईच वर्ड विथ द शेप। अब देखो इधर हमें दे रखी है स्पेलिंग दे रखी है, वो क्या है हमें सही क्रम में लिखना है इधर इन ब्रैकेट में, और फिर क्या करना है हमें ये इधर शेप दे रखी है फिर उनको सही क्रम में लिखे, और फिर इधर देखो शेप दे रखी है उनकी, फिर हमें क्या करना है मैच करवाना है। तो देखो फर्स्ट लिखा है ई ओ सी एन, तो इसको सही लिखेंगे हम सी ओ एन ई, ये है कौन, तो हम इसे मैच करवाएंगे कौन ये, तो आपको ऐसे मैच करवाना है। फिर देखो सेकंड है बी यू ई सॉरी सी ई, तो इसको लिखेंगे हम सी यू बी ई क्यूब, तो हम इस क्यूब से मिलाएंगे इसको ये क्यूब। फिर आगे दे रखा है H E R E S P, तो हम लिखेंगे इसको S P H E R E स्पेयर, तो हम इसको मिलाएंगे इस शेप से, ये स्पेयर की शेप है। फिर देखो आगे दे रखा है A N G L E T R I, तो इसको लिखेंगे हम T R I A N G L E ट्राइंगल, तो इसको मिलाएंगे हम ये ट्राइंगल। फिर आगे है Q U S A R E, यह है स्क्वायर, इसको लिखेंगे S Q U A R ई स्क्वायर, तो ये इस स्क्वायर से मिलाएंगे इसको। ठीक है, फिर आगे है एल ओ वी ए, तो ये होगा ओ वी ए एल ओ एल, तो इसको इससे मिलाएंगे ये ओ एल। फिर है एल आई सी ई आर सी, तो ये हो गया सर्किल सी आई आर सी एल ई सर्किल, तो ये सर्किल इस सर्किल से मिलाएंगे। फिर आगे दे रखा है टी आर ई एन
CAGEL ये हो गया रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल से मैच करेंगे इसको। आगे देखो सी, ड्रा ए लाइन टू मैच इज शेप टू इट्स शैडोज। अब देखो आपको इधर भी सेम दे रखी है और इधर भी, तो हमको क्या करना है इनसे मिलाना है। तो देखो ये स्टार का चित्र दे रखा है, तो आपको स्टार से ऐसे मैच करवाना है। फिर अब देखो ये भी स्टार है और ये भी, तो आपको इससे मैच करवाना है। फिर ये देखो ये भी सेम आकृति है, तो इससे सेम मैच करवाना है। इधर भी दे रखा है, तो ये आपको देख के खुद को मैच करवाना है। आगे देखो डी, राइट द नेम्स ऑफ द सॉलिड एंड प्लेन फिगर्स इन द बॉक्स। अब देखो हमें नेम लिखना है सॉलिड एंड प्लेन फिगर्स में, इन ये बॉक्स दे रखे हैं इन बॉक्स के अंदर, और इधर दे रखे हैं उन्हें शेप, तो उन शेप को देख देख के हमें क्या लिखना है, उनके नेम लिखना है। मैच द सॉलिड टू दियर रिलेटेड प्लेन फिगर्स, फिर क्या करना है हमें मैच भी करवाना है। तो देखो फर्स्ट दे रखा है ये है स्पेयर, तो आपको लिखना है यहाँ SPHERE स्पेयर, ठीक है। ये क्या है स्पेयर, अब आपको इससे क्या कराना है, इसे मैच करवाना है। फिर देखो आगे दे रखा है ये क्या है, ये दे रखा है कोण, तो आपको यहाँ स्प्लिंग लिखनी है, फिर इसको मैच करवाना है। ऐसे ये शेप देख के आपको स्प्लिंग लिखनी है, फिर मैच करवाना है, ये आप खुद से कर लेना। आगे ई, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मेड अप टू ऑफ टू शेप। अब देखो ये कोई दे रखी, ये चित्र दे रखे हैं, ये किससे बने हुए है, टू शेप से बने हुए है। नेम इज ऑफ द शेप, उन दोनों शेपों का क्या लिखना है, नेम लिखना है। वन इज द डन फॉर यू, तो देखो फर्स्ट दे रखा है हमें ये बना है, ऊपर वाला क्या है ट्राइंगल और नीचे क्या है रेक्टेंगल, ये दोनों चीज़ों से बना हुआ है रेक्टेंगल और ट्राइंगल, तो ऐसे आपको दूसरी शेप में लिखना है। तो ऊपर देखो ये किसे बनाया है, रेक्टेंगल से, तो आपको यहाँ लिखना है रेक्टेंगल ये क्या है ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे TRIANGLE। अब नीचे देखो ये क्या है, किसके नीचे है ये सिलेंडर, तो हम लिखेंगे CYLINDER सिलेंडर, ठीक है। ऐसे आपको ये दो खुद को करना है, देखना है कि कौन सी शेप से बना हुआ है, तो दोनों के शेप के नेम लिखने हैं। हम पढ़ेंगे हम स्लीडिंग एंड रोलिंग के बारे में। स्लीडिंग का अर्थ क्या होता है, सीधी, और रोलिंग का मतलब घुमावदार। तो देखो हम जैसे कोई चीज लेते हैं, जैसे कोई बॉल लेते हैं, तो वो बॉल कैसे आएगी, घूमती हुई आएगी। और जैसे हम कोई फिसल पट्टी होती है उसमें हम कोई बॉल रखते हैं, तो वो क्या घूमती हुई ऐसे क्या नीचे आ जाएगी। और जैसे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कोई माचिस वगैरह है, जैसे वो रखेंगे हम, तो वो कैसे आएगी, वैसे की वैसे सीधी आ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्लीडिंग। और जो बॉल रखेंगे वो बॉल घूमती हुई आएगी, उसको बोलेंगे हम रोलिंग। आज मैंने जितना कराया वो कर लेना, और इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे।